हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस एमजी प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी भारत आते हैं 9 जनवरी को, इसलिए प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये 1920 में स्टार्ट किया गया और फरवरी 1922 में इसे बंद कर दिया गया। चौरी चौरा घटना होने के बाद इसे बंद कर दिया गया। चौरी चौरा घटना ये गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन पैक्ट ये 5 मार्च 1921 को हुआ। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ? पूना पैक्ट किन दो लोगों के बीच में हुआ? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। और किस जेल में? येरवदा जेल। 1932 में येरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। नरेगा से मनरेगा नाम हो गया है इस समय। आगे देखिए फ्रेंड, 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो जल संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। दूसरा पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है और ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसे पुरस्कृत किया गया। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। चरकुला नौटंकी नृत्य ये कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, चरकुला और नौटंकी नृत्य। अगला प्रश्न देखिए, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट होंगी? आयशा मलिक ये पाकिस्तान की पहली महिला जज होंगी, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी आयशा मलिक। नारो का देश किसे कहा जाता है? तो ये पाकिस्तान को नारो का देश कहा जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन त्रिशूल ये कराची बंदरगाह को नष्ट किया गया। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत 4 दिसंबर 1971 को। अगला प्रश्न देखिए, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन कहाँ लॉन्च किया गया? खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन कहाँ लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में लॉन्च किया गया और 8 घंटे में 300 kg शहद प्रोसेस कर जांच करेगा। तो जो हनी होता है उसको ये जांच करेगा। 8 घंटे में 300 किलो शहद ये प्रोसेस करके जांच करेगी उसकी गुणवत्ता। पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया गाजियाबाद के द्वारा। KVIC द्वारा राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? तो KVIC द्वारा राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया गया। KVIC का फुल फॉर्म है खादी ग्राम उद्योग आयोग। उदयपुर में स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट बोल्ड। जनवरी 2022 में किसी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का नया महासचिव बनाया गया। OPEC ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज ओपेक का फुल फॉर्म है। जनवरी 2022 में किस पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का नया महासचिव बनाया गया? तो ओपेक की स्थापना 1960 में होती है। इसका हेडक्वार्टर वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ओपेक के महासचिव हैथम अली घीस बनाए गए हैं जो कि कुवैत के रहने वाले हैं। हैथम अली घीस। SCO का नया महासचिव जोंग मिंग ये संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन है उसके ये महासचिव बनाए गए हैं जोंग मिंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चाइना बीजिंग में। नवीनतम सदस्य कौन सा है? ईरान। यह SCO का नवीनतम सदस्य ईरान है। इसमें भारत पाकिस्तान भी शामिल है। लानोस घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो ये वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान स्थित है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर दोहा में होगा और ये फुटबॉल से संबंधित है। जनवरी 2022 में किस देश ने एक विवाह बाल विवाह पाबंदी लगाने हेतु एक नया कानून लाया? तो किस देश ने बाल विवाह कानून पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लाया? तो बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लाया गया, तो फिलीपींस के द्वारा ये कानून लाया गया है बाल विवाह पर। उसमें 12 साल तक माता पिता को सज़ा मिलेगी अगर वो बाल विवाह अपने बच्चों का कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मनीला फिलीपींस में। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मारिया रेसा को और दमित्री मुरातोवे की। मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है ताल ज्वालामुखी। आगे देखिए, जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो CACP इसका जो कार्य है वो MSP का निर्धारण करना है। 24 फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण करना है MSP का। CACP कार्य करता है MSP का निर्धारण करने के लिए। किस फसल के लिए MSP निर्धारित नहीं हुआ? तो गन्ना के लिए कोई MSP। और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? CACP का विजय पॉल शर्मा को। रेलवे बोर्ड का नया CEO कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए CEO। M.S. स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर मूल्य की 1.5 गुना लागत मिले, मतलब जो M.S. स्वामीनाथन समिति की सिफारिश थी उसी के कारण जो मूल्य था उसका 1.5 गुना मिले, ये M.S. स्वामीनाथन समिति की सिफारिश थी। अगला प्रश्न देखिए, उड़ीसा राज्य का गंजाम शहर ये बाल विवाह मुक्त है। भारत का कौन सा शहर है जो बाल विवाह मुक्त है? तो वह है उड़ीसा राज्य का गंजाम शहर। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? तो जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया गया। देखिए फ्रेंड, जो ये बिटकॉइन है वो भी एक क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन की जो खोज करता है वो कौन है? सातोशी नाकामोतो। ठीक है। सेंसेक्स क्या है? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज यह है BSE। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? तो यह है लिब्रा। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम लिब्रा है। सेंसेक्स क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज वो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रख दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम CDS बिपिन चंद्र रावत के नाम पर रख दिया। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु यूनिवर्सिटी ये लद्दाख में है। सिंधु यूनिवर्सिटी लद्दाख में लिख देता हूँ यहाँ पर। आगे देखिए, 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने किन राज्यों में चुनाव की घोषणा की है? तो 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने किन राज्यों में चुनाव की घोषणा की है? तो टोटल 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। 10 मार्च को चुनावों का परिणाम आ जाएगा और ये लगभग 5-10 फरवरी से स्टार्ट है ये चुनाव और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव हैं। 10 मार्च को परिणाम आएगा। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। मतदान दिवस चुनाव आयोग की स्थापना, ये मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना होती है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर हैं? टोटल 3 मेंबर हैं निर्वाचन आयोग में। 21 से 18 एज वोट ये 61वां अमेंडमेंट एक्ट है 1989 का। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।